पड़ गया देखिए, मम्मा भी आ जाएगी बेटा, कुछ पड़ गया इसको उधर छुपा के रखना चाहिए था। सो गए चलिए, मैं दिखाती हूँ कहाँ जा रही हूँ, आप सभी के साथ शेयर करूंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो हे गाइस, अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं चलिए आपको दिखाती हूँ, और मेरे साथ कौन है देखिए, दीदी। हेलो, तो गाइस दीदी के साथ जा रही हूँ आज मैं फर्स्ट टाइम, और चलिए वहीं पे मिलाते हैं आपको, दिखाते हैं कहाँ जा रहे हैं हम लोग, और मुझे खुद नहीं आइडिया है कैसे क्या है वहाँ पे, चलिए वहीं पे मिलते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? तो हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे, और ये है बहुत ही प्यारा सा होटल जिसका नाम है फॉर्च्यून होटल। अफकोर्स आप सब इस होटल के बारे में जानते होंगे, जो कि विवेक विहार में है, और यहाँ पर है एक बहुत ही प्यारा सा इवेंट जहाँ पे हम लोग इन्वाइट मैं यहाँ कर रही हूँ होटल के अंदर एंटर, और काफ़ी अच्छा व्यू था, बहुत ही प्यारा सा होटल था ये, बहुत क्लीन था एंड काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके। तो फॉर्च्यून होटल है और आप तो इसके बारे में जानते ही होंगे, बहुत नामी होटल है। गाइस क्या है ना कि ग्लैमरी अपना एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, तो उसके लिए ही यहाँ पर इवेंट रखा हुआ है, और देख सकते हैं अंदर कितना ही प्यारा व्यू है, और ये जो झूमर है ना बीच में, मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और आप सभी को कैसा लग रहा था बने रहिए ब्लॉग में आगे, और यहाँ पर सभी लोग अभी जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सारी चीज़ों को, और इस तरह से इवेंट की जो है तैयारियाँ कर रहे हैं, और हम लोग बहुत जल्दी आ गए बिकॉज़ जो दीदी की फ्रेंड है नीलम दीदी, उनके साथ हमें आना था, उन्हीं को सारी चीज़ें देखनी थी और यहाँ पर सब कुछ अरेंज करना था, तो इसलिए उन्हें पहले आना पड़ा, और हम लोग टाइम से एक घंटे पहले आ गए थे बिना खाए पिए जिसका रिजल्ट आप आगे देखेंगे। हम दोनों की हालत हो चुकी थी बहुत ज़्यादा डाउन, और यहाँ पर देखिए अभी तक सब कुछ तैयारियाँ चल ही रही हैं, और बहुत ही प्यारे प्यारे यहाँ पे जो है कलेक्शंस थे, बहुत प्यारे ब्रेसलेट वगैरह, कड़े, बहुत ही सुंदर सुंदर नेकलेस थे गाइस, और मतलब बहुत ही मुझे तो पसंद आए। बट इनका जो रेंज है वो काफ़ी हाई है बिकॉज़ ये ब्रांड है, तो हाई तो रहेगा ही रेंज। भी कलेक्शन बहुत प्यारे थे, और सबसे प्यारे मुझे यहाँ पे ईयरिंग्स लगे, और उससे भी प्यारा मुझे ब्रेसलेट लगा था एक, जो कि यहाँ पर मैंने इस टाइम नहीं देखा था, मैं बाद में आपको दिखाऊंगी आगे, बहुत प्यारे ब्रेसलेट थे। एंड देखिए ये है सारे हेयर केयर प्रोडक्ट्स जिसका आज लॉन्च है, और इसके लिए ही ये इवेंट रखा गया है, और ये बहुत प्यारे प्यारे बेडशीट्स थे, और इसका हम बाद में आपको आगे दिखाएंगे। आने वाले हैं सभी लोग, उसके बाद जो भी स्टार्ट होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि एक बार आप ग्लैमरी के प्रोडक्ट्स जरूर ट्राई कीजिए, और आपको बहुत अच्छा लगेगा, और ये हमारी गारंटी है कि एक बार आप ट्राई करेंगे तो आप ग्लैमरी के फैन हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। तो ठीक है, ब्लॉग में बने रहिएगा, अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ है इस इवेंट में। ये फॉर्च्यून होटल है दिल्ली का, विवेक यहाँ पे चल रही थी फोटोशूट, और हमने भी यहाँ पे बहुत सारे फोटोशूट करवाए हैं, बट उसके हम वीडियो नहीं बना पाए थे। तो एंड गाइस ये जो दिया है ना, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था मुझे, और देखिए अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जो है जोत जलाई जाएगी, और सभी लोग मिलके जलाएंगे, और यहाँ पर देखिए मैं फिर से यहाँ पर ट्राई करी थी एक बार, तो लगा के भी देख रही थी, और इस नेकलेस को देखिए कितना ही प्यारा पीस है, बहुत ही सुंदर सुंदर कलेक्शन ही है, मैंने जैसे कि आपको बताई, ईयरिंग भी बहुत प्यारा लग रहा था, और सबसे अगर प्यारा मुझे लगा तो ये रानी हार लगा, ये मुझे बहुत प्यारा लगा, और इसका रेंज आपको बता दूँ 3500 रेंज था गाइस, मुझे लग रहा है उससे भी ज़्यादा ही था शायद, मैंने देखा नहीं ध्यान से, और देख सकते हैं इस तरह से ये बहुत ही प्यारे प्रोडक्ट्स थे सारे, मैं यही बता रही थी यहाँ पे, बट आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रही थी, और यही है जिसका आज लॉन्च है, बहुत ज़्यादा आवाज़ की वजह से ना मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। और देखिए जो मैं ब्रेसलेट के बारे में आपको बता रही थी ना अभी, वो यही ब्रेसलेट था, बहुत ही प्यारा झुमका सा इवेंट स्टार्ट हो चुका था, और हम दोनों भूख के मारे यहाँ पे इंतजार कर रहे थे कुछ खाने के लिए मिल जाए बस, और इसके बाद जो है हम बस इंतज़ार कर ही रहे थे, और यहाँ पर फिर देखिए जोत जला, और जोत जला रहे थे सभी लोग मिलके, जो भी ये लोग सारे आपस में जुड़े हुए हैं जो इनकी कंपनी है उन सब में, और काफ़ी मतलब अच्छा लगा, बहुत प्यारे सब कुछ था यहाँ पे, सब हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और हमारी मस्ती तो चली रही थी, फिर हमें मिला ये बहुत ही अच्छा सा एक बैग, इसके अंदर कुछ इनके प्रोडक्ट है जो कि ट्रायल के लिए मिला है, तो हम उसको ट्राई करेंगे और देखेंगे उसका क्या रिव्यू है,
और यहाँ पर ये जो है सारे बेडशीट वगैरह हैं और काफ़ी अच्छे थे, बट रेंज बहुत हाई था। एक एक बेडशीट जो है यहाँ पे 3-3 हज़ार के थे। ये वाला बेडशीट गाइस 3,500 का था, तो इस तरह से कुछ था। एंड अभी यहाँ पर जो है हम लोग खाने के लिए कुछ मिल चुका है, अब आ गया है स्नैक्स वगैरह आए हैं, तो हम यहाँ पर स्नैक्स खाएँगे। और दीदी और मैं अब जाकर थोड़ा सा राहत फील कर रहे थे। और देखिए ये है हमारे प्यारे से पकौड़े। एंड यहाँ पर गाइस मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा स्लोमो हो गई थी, और यहाँ पर देखिए दीदी और मैं दोनों बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे यार। बहुत मतलब आपस में तो हमें बहुत इन्जॉय किया हमने, बहुत मज़ा आया। बट गाइस मेरी हालत हो गई थी ख़राब, पता नहीं क्या हो गया, मेरे घर पे आके इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। बट कोई बात नहीं, दीदी के साथ मैंने बहुत सारे चिल किया, मस्ती की, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड ये देखिए ये हमने यहाँ पर पिया, मैंने लिया चाय और दीदी ने लिया कॉफ़ी, जबकि दीदी को कॉफ़ी पसंद भी नहीं है, पता नहीं क्यों कॉफ़ी लेके आ गई थी वो। एंड यहाँ पर जो है सभी लोगों का ग्रुप फ़ोटो हो रहा था, और मैंने अपना फ़ोन यहाँ पर लगा दिया था, और कोई भी आके फ़ोन के सामने ही खड़ा हो जा रहा था। एंड गाइस इस तरह से बस फिर भी मैंने थोड़ा बहुत शूट कर ही लिया। फिर बच्चे भी देखिए यहाँ पर आए हुए थे थोड़े बहुत, और मतलब बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे। और आप सभी को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा मेरी वीडियो को, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। यहाँ पे मिल गया मुझे बुकिंग। गाइस आपको बता दूँ कि फ़र्स्ट टाइम आई हूँ मैं किसी इवेंट में, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। बस मेरी तबीयत ख़राब हो गई घर पे आने के बाद, वहाँ तो सब इवेंट वगैरह पूरा हो चुका है, बहुत अच्छे से हो गया। और अब हम लोग जा रहे हैं घर, और मिल सकते हैं हमारी दीदी से, नीलम दीदी। बहुत ही प्यारी है, बहुत अच्छी है दीदी, आपसे मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे थैंक यू इन्वाइट करने के लिए, मोस्ट वेलकम। चलो गाइस ये है बाहर का व्यू, जो कि बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा व्यू था, बट हमें हो रहा था लेट और दीदी यहाँ पे बना रही थी रील्स। मैंने भी थोड़ी सी दो स्लोमो रील्स बनाई हैं, और जो कि आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय लाइक।